ऑलराइट बच्चों, अभी हम लोग है ना जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एक बार मैं क्विकली बताता हूं, मैंने हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर किया। अभी तक हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़े, जैसे कि हमने 262 में ओपीसी पढ़ा है, 1% कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 2 clause 69 में प्रमोटर पढ़ा है, प्रमोटर का डेफिनेशन मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने सेक्शन 8 जो होता है, जो सेक्शन 8 कंपनी का होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। राइट, ये सारे पॉइंट्स आपको सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी हो चुके थे, बराबर। अब हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। एमओए क्या होता है आपका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अगेन पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग उसको चेक करते हैं, हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स किए, कौन सा रह गया। राइट, नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना बच्चों, ये जब भी आता है तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज दिमाग में रखना है, इसके दो सेक्शंस हैं। ठीक है, इसके कौन से दो सेक्शंस हैं? पहला सेक्शन है इसके डेफिनेशन का। अभी है ना, जब भी कोई आपको बोलता है डेफिनेशन का कौन सा सेक्शन होगा, डेफिनेशन पूरे कंपनीज आके एक ही सेक्शन में लिखे गए, सेक्शन 2। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन जो है ना वो है, किसी को याद है? फाउंडेशन पढ़ा होगा तो, राइट, 2 clause 56। ये सेक्शन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन है। ठीक है, बट उसके पूरे डिटेल्ड पॉइंट्स जो है वो लिखे गए हैं सेक्शन 4 में। तो आपको दो सेक्शंस याद रखने हैं, सेक्शन 256 डेफिनेशन का है, और सेक्शन 4 जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिटेल्स बताते हैं। अभी हम लोग इस लेक्चर में यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलो बच्चों, एग्जैक्टली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसको इसलिए कंपनी का चार्टर बोलते हैं। चार्टर मतलब कंपनी का ये कंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं बता रहा हूं बच्चों, ये देखो, अगर सपोज आपको बहुत बेसिक चीज जानना है, मान के चलो मेरे को ये समझना है कि कोई कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, सपोज मेरे को ये कंपनी का बिजनेस जानना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले आप लोगों में से कोई बताएगा ये कंपनी का एक बिजनेस है या बहुत सारे बिजनेस है? बहुत सारे बिजनेस है। और बच्चों ये कंपनी जो है ना इतने तेजी से अपना बिजनेस बदल रही है, करेक्ट। तो कुछ साल पहले सिर्फ ऑयल के बिजनेस में थी, ठीक है, उस साल के बाद, कुछ साल के बाद टेलीकॉम के बिजनेस में आ गई, बराबर। अब ये अपने एनुअल जनरल मीटिंग में बोल रहे कि इनको एनर्जी के बिजनेस में आना है। तो ये कंपनी को अगर कुछ भी बिजनेस करना है तो कंपनी का बिजनेस क्या है ये हमें समझना है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे, उसमें चेक करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो एमओए क्या करता है? एमओए एकदम बेसिक चीजें बताता है। एमओए पढ़ के मेरे को ये समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। एक और खास चीज क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये वर्ड का मतलब क्या है? कोई भी आसानी से एमओए को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मान के चलो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है ही नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं हूं रिलायंस का, मेरे को फिर भी अगर एमओए पढ़ना है रिलायंस का, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, एमओए डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। नहीं सिर्फ एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, बताओ ना बच्चों, एमओए के साथ में हम लोग एक और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों भी डॉक्यूमेंट हम लोगों को पहले सबमिट करना पड़ता है। कहां जाके सबमिट करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके हम लोग सबमिट करते हैं, तब जाके कंपनी को हम लोग बना सकते हैं, करेक्ट। अच्छा चलो, अभी देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ वही लिखा है क्या। सो व्हाट आर वी स्टडी, हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दो सेक्शंस आपको दिमाग में रखना है, एक डेफिनेशन वाला, डेफिनेशन वाला सेक्शन कहाँ लिखा है? 2 clause 56 में लिखा है, और इसके डिटेल्स सब कुछ कहाँ लिखे हैं? सेक्शन 4 में लिखे हैं, राइट। चलो तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया मेमोरेंडम चार्टर होता है कंपनी का, मतलब सारे बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखी जाती है। सेक्शन 399 कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कोई भी पर्सन ये एमओए को आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, बराबर। पहले एमओए एओए बनता है, ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट करते हैं आरओसी के पास, उसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, राइट। अच्छा बच्चों, इसके नीचे क्या लिखा, देखो कॉन्टेंट्स ऑफ एमओए, ये जो कॉन्टेंट्स है ना ये सब कुछ लिखे गए है सेक्शन 4 में। कौन सा सेक्शन लिखा गया? सेक्शन 4, राइट। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सारे क्लॉजेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं हर एक चीज के बारे में, बराबर। अभी बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं ना इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं एमओए के, यहाँ पे 7 पॉइंट्स वैसे लिखे हैं, सभी के सभी पॉइंट्स एक सीक्वेंस में ही आपको लिखना है,
आप आपके हिसाब से पहले लाइबिलिटी क्लॉज लिख के बाद में नेम क्लॉज लिखोगे, बाद में सिचुएशन क्लॉज लिखोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के हिसाब से आपको पूरा मेंटेन करना है, राइट। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो मेमोरेंडम का जो क्लॉज है उसका नाम है नेम क्लॉज, करेक्ट बच्चों। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा जाता है। अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं सर नाम कंपनी का डिसाइड करना है तो बहुत ईजी होगा, ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। हम लोग जब भी कोई कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं वो कंपनी का नाम डिसाइड करने के पहले आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी नाम यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आज कंपनी स्टार्ट करना है और मैं वो कंपनी का नाम से रिलायंस रख रहा हूँ, मेरे को ये नाम मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम है, तो जो कंपनी बहुत फेमस है उसका नाम ऑलरेडी अगर है एग्जिस्टेंस में, मैं ये सेम नाम यूज नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, वॉट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, मैं नाम को चेंज करके भी नहीं रख सकता हूँ। मतलब अगर सपोज मैं सोच रहा हूँ रिलायंस नाम मेरे को यूज नहीं करना है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सपोज मैं रिलायबल वर्ड से कंपनी बनाना चाहता हूँ, रिलायबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसा मैं नई कंपनी चालू कर रहा हूँ, मेरे को ये नाम भी नहीं मिलेगा। आपके कंपनी का नाम एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता भी नहीं चाहिए। इन्फोसिस नाम मिलेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी कंपनी है। अच्छा, इन्फोसिस नहीं रखता हूं, सपोज चेंज करो इन्फोसिस्टम, ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से काफी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो इसलिए नाम रखने के पहले आपको बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। वो विलियम शेक्सपियर ने बोला है बच्चों नाम में क्या रखा है, बट एक्चुअली यहाँ पे नाम में सब कुछ रखा है, बिकॉज आप नाम रखने के पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा, करेक्ट। सो नेम क्लॉज पे आपको आपके कंपनी के नाम, आपकी पहचान जो है यहां से आती है। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स, ये सबको पता रहना चाहिए। वैसे अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपके नाम के एंड में आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड है मतलब वो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। जितने भी लिस्टेड कंपनीज है वो सारे पब्लिक कंपनीज है, उनका नाम देख लो आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिमिटेड लगाया मतलब पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अगेन, और अगर सपोज कोई प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो उसके नाम के एंड में क्या यूज करना है? प्राइवेट लिमिटेड। और अपना डिस्कशन कल का अगर आपको याद है तो सेक्शन 8 कंपनी के नाम के एंड में ना तो लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, बट सेक्शन 8 कंपनी का नाम कुछ यूनिक होता है, कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, खास सेक्शन 8 कंपनी कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि फाउंडेशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, ट्रस्ट, चैरिटेबल, ये सारे वर्ड वो यूज कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो नेम क्लॉज बच्चों, अगेन कंपनी का नाम जो है वो वैसा ही होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्लॉज इज सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन का मतलब क्या है? सिचुएशन मतलब कंपनी का प्लेस कहाँ है, करेक्ट। तो बच्चों सिचुएशन क्लॉज में एग्जैक्टली क्या होता है? सिचुएशन क्लॉज में कंपनी का स्टेट का नाम ही हम लोग लिखते हैं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो आप लोग, क्या बता रहा हूं, अगर मेरे को आज कंपनी स्टार्ट करनी है, सपोज मेरे को है ना मुंबई में कंपनी स्टार्ट करनी है, तो है ना मैं क्या करूंगा पता है, मैं जब एमओए बनाऊंगा तो एमओए में मैं सिर्फ स्टेट का नाम लिखूंगा। अब यहां पे आपको थोड़ा सोचना है यार कि डिटेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट का नाम लिखना है। बताओ अगर मैं मुंबई में कंपनी चालू कर रहा हूं तो मेरे को स्टेट का नाम मतलब मैं क्या लिखूंगा? महाराष्ट्र, बस इतना ही लिख के मैं छोड़ दूंगा। क्यों ऐसा, डिटेल एड्रेस क्यों लिखना नहीं है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, कंपनी बनाने के पहले आपको एमओए बनाना पड़ेगा या कंपनी बनने के बाद वो जमा करना है? पहले बनाना है, इनफैक्ट वो दोगे आप आरओसी को तो आरओसी वो चेक करके आपको रजिस्टर करेगी यहां से कंपनी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, बहुत बार एमओए जब आप बनाते हो तो है ना यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेट का नाम ही लिखने के लिए बोलते हैं, बिकॉज आपको प्लेस मेंशन करना पड़ता है कुछ दिनों के बाद, ठीक है। डिटेल्ड एड्रेस अभी मेंशन मत करो, आपको फिलहाल क्या करना है, एमओए से बनाओगे सिर्फ स्टेट का नाम लिख के छोड़ दो, डिटेल्ड एड्रेस आपको कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद में आपको डिटेल एड्रेस सबमिट करना पड़ता है, करेक्ट। तो शुरुआत में आपको सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन करना है, डिटेल्ड एड्रेस आपको कुछ दिन के बाद सबमिट करना है, हम लोग ये चीज भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वॉज नेम क्लॉज, सेकेंड अभी बताया सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। थर्ड यहां लिखा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। बच्चों अभी देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने अभी आपको जैसे बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। अगर आप मेरे को पूछोगे ना साथ में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्लॉज है, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है ये मेमोरेंडम में लिखना जरूरी है, ठीक है। बच्चों अब आपको अगर कुछ याद रहा तो प्लीज बताओ, ऐसा क्यों जरूरी है कि यार कंपनी जो बिजनेस करी वो पहले लिख दो? ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि कंपनी ने एमओए में जो बिजनेस लिखा ही नहीं कंपनी वो बिजनेस कर रही है? क्या होगा अगर सपोज इमेजिन करो दिस कंपनी टाटा स्टील,
ठीक है बच्चों, टाटा स्टील के मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि उनका स्टील का बिजनेस है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर अचानक से कंपनी फर्नीचर का बिजनेस चालू करती है तो प्रॉब्लम कहां आएगा? एमओए में क्या लिखा है? स्टील का बिजनेस। क्या चालू कर रही है? फर्नीचर का बिजनेस। तो क्या हो गया, प्रॉब्लम कहां आएगा इसमें? किसको तकलीफ होगी? चलो बताओ, आरओसी को तकलीफ होगी, उसके पहले मेंबर्स को तकलीफ होगी क्या? वो पूछो बच्चों। इमेजिन करो, मैंने पैसा लगाया टाटा स्टील में ये सोच के कि यार स्टील के भाव बढ़ रहे हैं और स्टील का साइकिल अच्छा चल रहा है और स्टील के बिजनेस जो भी कर रहे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ये सोच के मैंने शेयर्स खरीद लिए टाटा स्टील के। अब क्या हो रहा है, अचानक से टाटा स्टील बोल रही है नहीं नहीं हमें स्टील का बिजनेस नहीं करना है, हमें फर्नीचर बनाना है। कंपनी अपने मर्जी से अगर बिजनेस चेंज करेगी तो जो शेयर होल्डर ने सोच के पैसा लगाया कि कंपनी का ये बिजनेस होगा उसको तो धोखा हो गया यार, बराबर। अगर मैं ये सोच के कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ कि कंपनी का स्टील का बिजनेस है और कंपनी अपनी मर्जी से अचानक से बिजनेस ही चेंज कर रही है, ये मेरे साथ फ्रॉड होगा। तो इसलिए अगर कंपनी को बिजनेस बदलना है तो पहले एमओए में वो चीज मेंशन करना जरूरी है। बगैर एमओए में मेंशन किए आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू, बताओ अगर टाटा स्टील के एमओए में स्टील का बिजनेस लिखा है और कंपनी फर्नीचर का बिजनेस चालू करती है तो इसको क्या बोलते हैं? आपने सीखा होगा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट मतलब बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर चला गया वो। कंपनी अगर अल्ट्रावायलेट कुछ एक्ट करती है तो क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से वॉइड, ठीक है, और उसको पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स मिलकर भी सुधार नहीं सकते, बराबर। बहुत डेंजरस चीज होगी। इसलिए पहले क्या करोगे, पहले एमओए चेंज करो मेंबर्स का परमिशन लेके, उसके बाद जो बिजनेस करना है करो। लुक एट रिलायंस, इतने बिजनेस चेंज कर रही है, कैसे चेंज कर रही है? एमओए में चेंज करके वो नया बिजनेस कर रही है, सही है बच्चों। रिलायंस अभी आजकल इतने सारे एक्विजिशन कर रही है, कभी कभी कंफ्यूज होता है रिलायंस का एक्चुअल बिजनेस क्या है, ठीक है। कुछ दिनों पहले रिलायंस ने हैमलीज को तो बहुत पहले एक्वायर किया था, ठीक है। व्हाट्सएप पे जोक्स बहुत सही आते हैं, मुकेश अंबानी रस्ते से जा रहे थे, उनको भूख लगी थी, उन्होंने सोचा सब्वे खाने से अच्छा सब्वे कंपनी खरीद ले। सब्वे का जो फ्रेंचाइज है वो पूरा अभी रिलायंस के अंडर आ रहा है, ठीक है। मुकेश अंबानी गूगल पे कुछ सर्च कर रहे थे, उनको बराबर नहीं मिला कुछ सर्च का रिजल्ट, जस्टडायल को खरीद लिया। तो अगेन जस्टडायल भी रिलायंस के अंडर ही आता है। अगेन मुकेश अंबानी को पोता हुआ, उसको खिलौना देने का सोचा, हैमलीज टॉय स्टोर सीधा खरीद लिया। तो ये इतना एक्विजिशन कंपनी करी और एक दूसरे से कुछ कनेक्शन ही नहीं बिजनेस का, इतने अलग अलग बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमओए में लिखना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज का इंपॉर्टेंस। अगर आपको बिजनेस चेंज करना है करो, बट पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। बगैर ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किए आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक चीज और, ऑब्जेक्ट क्लॉज का इंपॉर्टेंस सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्रेडिटर्स को भी होगा। मान के चलो बैंक ने लोन दिया है टाटा स्टील को ये सोच के कि स्टील का अच्छा अपसाइकिल चल रहा है और लोन का पैसा डूबेगा नहीं। अब टाटा स्टील अपने मर्जी से बिजनेस चेंज कर रही है तो बैंक के साथ भी धोखा हो रहा है यार। जब भी बैंक लोन देती है बैंक ये चेक करती है क्या बिजनेस क्या है? ऑब्वियसली बगैर वो चेक किए बैंक लोन थोड़ा ना देगी। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करके ही नया बिजनेस चालू कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना जरूरी है। अच्छा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक चीज और लिखे देखो, आपको ना ही सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपके वो लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ आगे जो लिखे मैटर्स फॉर फर्दरेंस, ये क्या होता है? अच्छा फर्स्ट लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपको ये कैसे समझ रहे हैं, बराबर। सपोज इमेजिन करो देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज फिएट टायर्स। क्या बनाती है कंपनी? क्या नॉलेज तुम लोगों का, टायर बनाती है, करेक्ट। अभी इमेजिन करो ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी आजकल मान के चलो बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च कर रही है। फिएट टायर्स जो है ना ये क्या कर रही है, ये साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा कर रही है। अच्छा अभी आप लोग सोचोगे सर ये कंपनी को रिसर्च की क्या जरूरत है, ये कंपनी रिसर्च कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ठीक है, उसका गाड़ी का वजन बढ़ जाता है। आपको पता नहीं है तो बता रहा हूँ, ठीक है। ईवी अभी बच्चों अभी आज से 10 साल के बाद हो सकता है कि अपने को ज्यादा रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखे, बराबर। बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में गाड़ी का वजन ज्यादा हो जाता है, वो गाड़ी का वजन ज्यादा हो गया तो टायर का क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर रिसर्च सपोज फिएट टायर्स कर रही है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा तो भी चलेगा क्या? क्यों? हाँ क्योंकि उससे रिलेटेड है। मतलब कंपनी क्या बोल रही है, देखो हमारा मेन ऑब्जेक्ट टायर बनाने का है, बट हम लोग अगर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं टायर मेकिंग के लिए और अच्छा बेहतर कैसे हम लोग बनाए, तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं मैटर्स फॉर फर्दरेंस। फर्दरेंस मतलब आपके मेन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए अगर आप कुछ अलग कुछ कर रहे हो
वो भी आप बिजनेस कर सकते हो, उसको स्पेशली एमओए में मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टैंडेबल है कि आप जो कर रहे हो वो आपके मेन बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, सही है, ठीक है। अगेन सो नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर से बताओ जल्दी से, नेम क्लॉज में नाम लिखते हैं, सिचुएशन क्लॉज में फिर स्टेट का नाम लिखते हैं, डिटेल्ड एड्रेस बाद में मेंशन करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट लिखना है और जो भी आप उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट है वो भी आप कर सकते हो, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। अच्छा आप लोग सिर्फ इतना बताओ बच्चों, ये आपको वैसे पता रहना चाहिए, आपने ऐसा सीखा होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना बता दो। चलो ये थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है बच्चों। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं ना, इसके अलावा एक और टाइप की कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। चलो एक और ऐड करता हूं, इसमें एक और कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी को मैं क्लासिफाई करूं लाइबिलिटी के हिसाब से तो ये तीन टाइप के कंपनीज होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। नाउ आपको एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपको आंसर आते हैं क्या देखो, ठीक है बच्चों। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो अगर मैं कोई कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है और वो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और वो लोन रीपे नहीं कर पा रही है, तो बैंक मेरे से एज अ शेयर होल्डर लोन का पैसा वसूल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल सपोज वोडाफोन आइडिया, ठीक है, इसके शेयर्स मैंने खरीदे, अगर मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स खरीदता हूँ, ये कंपनी का बहुत ज्यादा कर्जा है, इन्होंने बहुत ज्यादा लोन उठाया है, तो अगर ये लोन रीपे नहीं कर पाते तो बैंक मेरे से एज अ शेयर होल्डर लोन का पैसा वसूल नहीं कर सकती। कैन यू टेल मी टू रीजंस? एक रीजन मेरा लाइबिलिटी एज अ शेयर होल्डर लिमिटेड है, शेयर्स जितने खरीदे मैं उतना ही पैसे दूंगा, उससे ज्यादा मेरे से पैसे मत मांगो, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन, राइट, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लोन किसने लिया है, कंपनी ने, तो रीपे कौन करेगा, कंपनी। वोडाफोन इंडिया ने बैंक से लोन लिया है तो रीपेमेंट किसकी जिम्मेदारी है, वोडाफोन इंडिया की, मेरी जिम्मेदारी नहीं है एज अ शेयर होल्डर, बराबर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। अच्छा वैसे यहां पे क्या फंडा होता है बताओ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर यहां पे आप मेंबर हो, अगर आप गारंटी वाली कंपनी में मेंबर हो तो आपका लाइबिलिटी क्या होगा, आपने जितनी गारंटी दी उतना आपको पैसे देना है। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, ये जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो यहां पे मेंबर के नाम के सामने अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। सपोज मिस्टर ए नाम का एक मेंबर है, उसके नाम के सामने लिखता है 10,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, इसका गारंटी है 10,000 रुपए का और ये 10,000 रुपए कंपनी को पे करेगा। बट आपको ये भी पता रहना चाहिए बच्चों, ये सब सीए फाउंडेशन का बता रहा हूं मैं, अभी तक कुछ नया बताया नहीं मैंने। कैन यू टेल मी दिस थिंग, अगर मान के चलो गारंटी वाली कंपनी में मिस्टर ए के नाम के सामने 10,000 रुपए लिखे हैं मेमोरेंडम में, तो ये अमाउंट उसको कब पे करना है, जब कंपनी चल रही है तब उसको पैसा पे नहीं करना है, जब कंपनी बंद होने आएगी वाइंडिंग अप के टाइम पे इसका लायबिलिटी आएगा, राइट। लास्ट इज अनलिमिटेड कंपनी, बताओ अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर का लायबिलिटी कितना होता है, ऑब्वियसली अनलिमिटेड होता है, बट अगेन यहां पे भी आपको लायबिलिटी कब पे करना है, वाइंडिंग अप के टाइम पे, और आपका लायबिलिटी कंपनी की तरफ होता है, सही है। ये सब कुछ मेंबर का लायबिलिटी कितना होगा डिपेंड किस पे करता है, कौन से टाइप की कंपनी है, शेयर्स वाली कंपनी तो शेयर्स के ऊपर, गारंटी वाली कंपनी तो जितना गारंटी दिया उतना, और अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड पैसा देना पड़ेगा। सो ये अगेन ये कहां लिखा जाता है, मेंबर का लायबिलिटी कितना है, ये लिखा जाता है एमओए के लायबिलिटी क्लॉज में, करेक्ट। अभी तक चार पॉइंट्स बताए मैंने, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जल्दी से बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, बराबर। दो सेक्शंस दिमाग में रखना है, डेफिनेशन का सेक्शन 256, डिटेल्ड उसके कंटेंट्स का सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 4 के कंटेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाज नेम क्लॉज, सेकंड वाज सिचुएशन क्लॉज, थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड फोर्थ इज लायबिलिटी क्लॉज। अभी तक चार पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे, राइट, अभी तक बहुत इजी। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, कैपिटल क्लॉज में हम लोग ऑथराइज कैपिटल को मेंशन करते हैं, ठीक है। अभी ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल।
कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है वो एंड तक कंफ्यूजन में रहता है, कंफ्यूज रहता है ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, मान के चलो आज मैं कंपनी बनाने का सोच रहा हूं, तो अगर मेरे को कंपनी बनाना है तो मेरे को एमओए बनाना पड़ेगा, एमओए में मेरे को ऑथराइज कैपिटल लिखना पड़ता है। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल का एकदम इजी लैंग्वेज में मतलब ये होता है कि मैं शुरुआत से ही सोच लूंगा कि मेरे कंपनी को लाइफ टाइम में कितने शेयर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो बस इमेजिन करो मैं सोच रहा हूं कि यार मेरी कंपनी जो है ना इसको लाइफ टाइम में 100 करोड़ शेयर्स मैं इशू करूंगा, बस इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करूंगा। ठीक है, अभी तो मैं क्या करूंगा यहां पे मेरे हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मेरे को 100 करोड़ शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे शेयर का कुछ ना कुछ मैं नॉमिनल वैल्यू डिसाइड करता हूं, नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, सपोज मैं सोच रहा हूं 100 करोड़ शेयर, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, इनटू इसका फेस वैल्यू मैंने डिसाइड किया 10 रुपए, 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर, और ये 10 रुपए क्या हो गया, ये हो गया फेस वैल्यू। इसको एक और टर्म से हम लोग यूज करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है बच्चों, टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 100 करोड़ इंटू 10 कितना हो गया, 1000 करोड़। यहां पे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑथराइज कैपिटल हो गया, बराबर। अच्छा, इसका मीनिंग कोई बताएगा क्या, कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतने पैसे, गलत वर्ड हो गया, इतने शेयर्स दे सकती है, पैसे तो कितने भी ले सकती है वो कंपनी की मर्जी है, एक बार वापस क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है, इनफैक्ट लेट मी क्लैरिफाई मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंपनी अपने लाइफ टाइम में 100 करोड़ शेयर्स ही दे सकती है। अच्छा, पैसे कितने जुटा सकती है, कितने भी कैसे मैं बताऊंगा। चलो सपोज इमेजिन करो ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, व्हाट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, कोई कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाती है, पैसों की जरूरत है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आईपीओ में क्या होता है, वेरी सिंपल, आईपीओ में यहां पे कंपनी है और यहां पे शेयर होल्डर्स है, बराबर। ठीक है, कंपनी क्या करती है, इनको शेयर देती है और बदले में इनसे पैसा लेती है, करेक्ट। नाउ कैन यू आंसर द सिंपल क्वेश्चन, कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है तो बच्चों यहां पे आईपीओ में शेयर का प्राइस कितना डिसाइड कर सकती है, बताओ, फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी के आईपीओ में कंपनी के एक शेयर का भाव कितना हो सकता है, कंपनी की मर्जी हो तो, कंपनी की मर्जी क्या भाव पे इशू करना है। बट हाँ, आपको ये पता रहना चाहिए, चलो आपको है ना थोड़े बेसिक्स थोड़े याद दिला रहा हूं, अगर 10 रुपए फेस वैल्यू और कंपनी ने 10 रुपए पे इशू किया तो इसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर 10 का कंपनी ने सपोज 20 रुपए पे इशू किया तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, अगर 10 का 8 पे इशू किया तो एट डिस्काउंट, बट उसको इशू नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो, सपोज इमेजिन करो कंपनी सोच रही है 10 रुपए तो हमारा फेस वैल्यू है, हमारे हिसाब से हमारे शेयर की ट्रू वैल्यू 70 रुपए है कंपनी को लग रहा है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक शेयर का भाव 70 रुपीज डिसाइड किया और कंपनी ने 50 करोड़ शेयर्स इशू किए, तो मतलब टोटल कंपनी कितना लोगों से पैसा ले रही है, बताओ, 50 करोड़ शेयर्स इंटू रुपीज 70 पर शेयर कितना हो जाएगा, 3500 करोड़ शेयर्स, करोड़ रुपीज। बच्चों आपको ये समझ रहा है क्या, इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 1000 करोड़ ही है, बट कितने पैसे जुटा है, 3500 करोड़। इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका फेस वैल्यू कम है और हमने ज्यादा रुपए जुटाए, बट हम लोग शेयर्स कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम 100 करोड़ शेयर्स तक ही हमारी गाड़ी पहुंच सकती है, बताओ, अगर 70 रुपए एक शेयर के पीछे लेना है, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है, ओनली 100 करोड़। मतलब कंपनी आईपीओ में मैक्सिमम कितने पैसे जुटा सकती है, ये देखो 100 करोड़ पूरे शेयर्स कंपनी अगर दे रही है आईपीओ में तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़ इंटू 70 कितना हो जाएगा, 7000 करोड़। अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, कंपनी 70 रुपीज अपना इशू प्राइस डिसाइड कर रही है और कंपनी बोल रही है हमें 200 करोड़ शेयर देना है, क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, ऑथोराइज कैपिटल का लिमिट खत्म हो गया,
तो अगर आपको ऑथराइज कैपिटल का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा तो यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, 100 करोड़ जो शेयर्स है ना, ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, आप इसके ऊपर आपका नंबर नहीं जा सकता। अगर आपको और शेयर्स इशू करने हैं, और पैसों की जरूरत है, आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा और आपको एमओई चेंज करना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑथराइज कैपिटल से हमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर समझ में आता है, इतने शेयर्स के ऊपर कंपनी नहीं इशू कर सकती है। करेक्ट। एक चीज और, ऑथराइज कैपिटल जितना ज्यादा उतना ज्यादा आरओसी को फीस पे करना पड़ता है। छोटी कंपनी तो ऑथराइज कैपिटल कम होगा, बड़ी कंपनी तो ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होगा। तो आप जितना ज्यादा ऑथराइज कैपिटल रखोगे उतना ज्यादा आपको आरओसी को रजिस्ट्रेशन के समय फीस देना पड़ता है। दैट इज द लॉजिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबको पॉइंट समझ में, ऑथराइज कैपिटल का? ठीक है, ओके बच्चों, आई वॉन्ट यू ऑल टू क्विकली नोट डाउन दिस पॉइंट, अदरवाइज ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये 100 करोड़ शेयर्स जो है ना, ये है मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ऑलराइट बच्चों, अभी क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सी ये ऑथराइज कैपिटल का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया, अभी तक कितने क्लॉज देखे, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एंड नाउ कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल मेंशन करते हैं, यानी कि कितना आपका फेस वैल्यू है और आपके शेयर कितने हैं। ये जो नंबर ऑफ शेयर है ना, ये इसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप शेयर इशू नहीं कर सकते आपके लाइफ टाइम में। करेक्ट। इसके ऊपर अगर करना है तो क्या करोगे, आपको एमओई चेंज करना है, ज्यादा पैसे देना पड़ेगा आरओसी को, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इतना बताओ, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने शेयर होल्डर्स रहते हैं? पब्लिक कंपनी में मैं कम से कम पूछ रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 7 होते हैं पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और ओटीसी में मिनिमम 1, राइट। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है? वेरी सिंपल। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब, सपोज मेरे को आज एक पब्लिक कंपनी चालू करनी है तो मेरे को 7 लोगों की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत में मैं डिसाइड करूंगा कि 7 लोग कौन होंगे। ठीक है, और वो 7 लोग जो मैंने पहले से डिसाइड किया है, इनको मैं बोलूंगा कि एमओए पे साइन करो, और आपको एक एक शेयर में नाम का दे रहा हूं। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, सपोज अगेन अगर मैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट करो, ठीक है, अगर मेरे को पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मेरे को कम से कम 7 मेंबर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ये मिनिमम मेंबर्स होते हैं। तो ये 7 लोगों को मैं कहीं से जमा करूंगा जो मेरे ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, और सबको मैं कुछ शेयर देकर रखूंगा, और ये 7 लोगों को बोलूंगा कि आप एमओए और एओए पे साइन कीजिए। करेक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना पड़ता है, और ये जो लोग साइन कर रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, एकदम सिंपल भाषा में बताया जाए, सब्सक्राइबर्स शुरुआत के मेंबर्स होते हैं, खत्म। पब्लिक कंपनी को शुरुआत में 7 लोगों की जरूरत होती है, जो 7 लोग साइन करते हैं एमओए को वो है सब्सक्राइबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं इनको। फाउंडिंग मतलब जिन्होंने चालू किया है, कंपनी को स्टार्ट किया है, बराबर। ठीक है, तो नॉर्मली अगर सपोज मेरे दिमाग में बिजनेस का आइडिया है और मैं प्रमोटर हूं कंपनी का, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को बोलूंगा कि आप सब्सक्राइबर्स बन जाओ, और उनको मैं एक एक शब्द नाम का देके रखूंगा ताकि ऑन पेपर 7 मेंबर्स रहे, और हम लोग सब क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स या फाउंडिंग मेंबर्स। सिंपल है, करेक्ट। अच्छा, जैसे पब्लिक कंपनी में 7 लोगों की जरूरत होती कम से कम, वैसे प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1। ओपीसी पॉइंट एक्चुअली इन्होंने नीचे लिखा है, ये देखो ओपीसी का पॉइंट नीचे और क्लियर किया, मतलब ओपीसी में और कौन सी चीज की जरूरत होती है। नॉमिनेशन क्लॉज, अभी बताने की जरूरत है क्या बच्चों? ओपीसी का सेक्शन बताओ, चलो 262, उसमें नॉमिनी का पॉइंट पड़ा था, और नॉमिनी का कंसेंट राइटिंग में चाहिए, प्लस नॉमिनी का नाम एमओए में लिखना चाहिए, तो उसका एक अलग क्लॉज है नॉमिनेशन क्लॉज। जो नॉमिनी है वो साइन करेगा, और वो सिर्फ ओपीसी के लिए एप्लीकेबल होगा। ये है सारे कंटेंट्स ऑफ एमओए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टोटल कितने क्लॉजेस है? 7 क्लॉजेस है। इसका सीक्वेंस ऐसी होता है, हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ाई है, और ये सब कुछ ये फाउंडेशन में हुआ है, डिटेल में अभी तक चालू नहीं किया है। ठीक है, ये सिर्फ ब्रशअप करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको पता रहने चाहिए वैसे, राइट। अच्छा, नाउ मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ बच्चों, क्या होता है बहुत बार जब हम लोग एमओए और एओए बनाने बैठते हैं, तो ना हो सकता है कि हमारे दिमाग से बहुत सारे पॉइंट्स रह गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करना था बट मैं भूल गया। ठीक है, एमओए में नहीं होता, जनरली एओए में होता है ऐसा, एओए में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो हम लोग गलती से लिखना भूल जाते हैं। अब ऐसे में अपनी गलती नहीं होना चाहिए,
इसलिए हमें मदद की जा रही है, हमें बोला गया है कि आपको कौन सी टाइप की कंपनी बनाना है, आप वो डिसाइड कर लो और आप उसका एक फॉर्मेट डाउनलोड कर लो। वो फॉर्मेट डाउनलोड करने से आप कोई भी पॉइंट भूलोगे नहीं, ठीक है। वो जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं टेबल। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है, कितने शेड्यूल्स है 7, उसमें से हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ध्यान से देखो, ये आपको अभी मैं नीचे बता रहा हूं, देखो क्या लिखा है यहां पे। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 1, शेड्यूल मतलब लिस्ट होता है, ठीक है। ये एमओए और एओए दोनों के लिस्ट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अभी ना क्या कर रहा है आपको बता दो, इसको एकदम सिंपल करते हैं। देखो बच्चों, शुरुआत के 5 अल्फाबेट्स जो है वो एमओए के हैं, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। मतलब टेबल ए बी सी डी एंड ई, ये 5 अल्फाबेट्स जो है ये किसके हैं, एमओए के। और एमओए के अल्फाबेट खत्म होते हैं, आगे के 5 अल्फाबेट किसके हैं, एओए के। एफ जी एच आई जे, एबीसीडी आती है ना, हाँ ठीक है। तो शुरुआत के 5 अल्फाबेट किसके हैं, एमओए के, और आगे के 5 अल्फाबेट किसके हैं, एओए के। सीक्वेंस भी बहुत ईजी है, ठीक है। पहले शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उसके बाद गारंटी वाली कंपनी है, उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी। इधर भी वैसे ही, पहले शेयर कैपिटल वाली कंपनी, फिर गारंटी वाली कंपनी, फिर अनलिमिटेड कंपनी। एक हल्का सा डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो क्या है, यहां पे बच्चों पहले गारंटी वाली कंपनी लिखा है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर हैविंग शेयर कैपिटल है। फिर से पहले अनलिमिटेड कंपनी लिखा है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर हैविंग शेयर कैपिटल है। इधर इन्होंने उसको चेंज कर दिया सीक्वेंस को, पता नहीं क्यों किया है, ठीक है। अगर मैं रहता तो एकदम सीक्वेंस ही रखता था, बट जो भी है, ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट। चलो एक बार वापस बता रहा हूं, शुरुआत के 5 टेबल, शुरुआत के 5 अल्फाबेट एमओए के, आगे के 5 अल्फाबेट एओए के, राइट। उसमें सीक्वेंस क्या है, पहले शेयर वाली कंपनी, फिर गारंटी वाली, फिर अनलिमिटेड। इधर भी वैसे ही है, ठीक है। बट यहां पे आपको क्या दिमाग में रखना है, एमओए में पहले नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बाद में हैविंग शेयर कैपिटल है, और इधर एग्जैक्टली इसका उल्टा कर रहे हैं। पहले नॉट, यहाँ पे नॉट हैविंग था, फिर हैविंग था, यहाँ पे पहले हैविंग शेयर कैपिटल है, फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बस इसको उल्टा उल्टा कर दिया, दैट्स इट, बराबर, ठीक है। तो ये टेबल क्या है, एक बार वापस बता रहा हूँ। सपोज इमेजिन करो मेरे को आज स्टार्ट करनी है कोई ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। बच्चों मैक्सिमम केसेस में प्रैक्टिकली जो भी कंपनीज हम लोग देखते हैं ना, सारे पॉपुलर कंपनीज, रिलायंस, इंफोसिस, ये सारे कौन से टाइप की कंपनीज है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, करेक्ट। अच्छा, अगर सपोज मेरे को आज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स चालू करना है, तो ये कंपनी मेरे को बनाने के लिए एमओए बनाना पड़ेगा और एओए बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, एमओए एओए में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कोई पॉइंट छूट गया तो फिर आगे तकलीफ होगी। तो क्या करना है, सिंपली आपको ये टेबल डाउनलोड करना है। अब आप लोग बताओ, मेरे को ये कंपनी चालू करना है तो मैं कौन सा टेबल डाउनलोड करूं, एमओए के लिए टेबल है, वेरी गुड, और एओए के लिए टेबल है। तो ये टेबल मैं डाउनलोड करूंगा, कहां से डाउनलोड करूंगा, वो एमसीए वाली वेबसाइट। एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट के अंडर का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.gov.in इनका वेबसाइट है, यहां से डाउनलोड करना पड़ता है, क्लियर, इजी, ओके। अब बच्चों यहां पे, यहां तक की कहानी जो है मेरे को लगता है ये भी आपको सीए फाउंडेशन में था, राइट, याद आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, करेक्ट नाउ अंडरस्टैंड। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एमओए एओए के बारे में मैंने बता दिया, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो सेक्शन फिर से बता रहा हूँ जो दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। कौन से दो सेक्शन दिमाग में रखना है, एमओए से जुड़े हुए 256 एंड सेक्शन 4। 256 में क्या लिखा है, डेफिनेशन, और सेक्शन 4 में कंटेंट्स ऑफ एमओए, राइट। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, यहां पे अब मैं ना सेक्शन 3 आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, और मेरे को लगता है सेक्शन 3 भी आपने पढ़ा है, ठीक है। सो सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 जो है बच्चों कंपनीज एक्ट का, इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। सेक्शन लर्न कराने की गारंटी मेरी है, ओके मैं आपको बताऊंगा ये कैसे सीक्वेंस से आप लर्न करोगे, करेक्ट। चलो सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का कौन सी चीज की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। मतलब क्या है, वेरी सिंपल, अगर आप कंपनी को चालू कर रहे हो, ठीक है बच्चों ये देखो मैं आपको यहां से लिख के बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर मेरे को कंपनी को फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब मैं कंपनी को बनाना सोच रहा हूं, अगर मैं कंपनी बनाना सोचता हूं तो सेक्शन 3 बोलता है कि आपको दो बेसिक चीजों का ख्याल रखना है, दो ही चीजों का ख्याल रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड, खत्म, सेक्शन 3 खत्म हो गया। कौन से दो चीजों का ख्याल रखना है, पहली चीज ये है कि आप अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी चालू नहीं कर सकते हो।
अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो पहले देखो कि आपका पर्पस सही है क्या. इट मस्ट बी फॉर्म्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस. आप सिर्फ लॉफुल यानी कि लीगल पर्पस के लिए कंपनी चालू कर सकते हो. ठीक है, मैं इलीगल बिजनेस चालू करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ. सिंपल है, ये तो पता ही है, इसमें बताने जैसी बात क्या है. नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पॉइंट, अगर मैं कंपनी चालू कर रहा हूं तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का ख्याल रखना है. मतलब क्या, अगर मैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को कम से कम कितने लोगों की जरूरत है, 60. अगर मैं प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करो कम से कम 2 लोगों की जरूरत होगी, और अगर ओपीसी स्टार्ट करो तो कम से कम 1 पर्सन की जरूरत होगी. तो ये मिनिमम लोगों की जरूरत मेरे को होगी ही होगी, बगैर इनके मैं कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता हूं. वेरी सिंपल, कंपनी बनाना है, फॉर्म करना है, 2 चीजों का ख्याल रखो. लॉफुल पर्पस से ही कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, वहां पे आपका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए. पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, खत्म हो गया सेक्शन 3. एज सिंपल एज दैट, यहां वही लिखा है, चेक कर लो. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ओनली लॉफुल पर्पस. मिनिमम मेंबर्स कितने हैं पब्लिक कंपनी में, 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1. ये तो बहुत ईजी है. सेक्शन 3 का एक एक्सटेंशन है 3A, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. बहुत ईजी है भी. सेक्शन 3A हेडिंग देखो क्या लिखा है, मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. क्या बता रहा हूं, पहले ना पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे. एग्जाम्पल पे सबको ध्यान देना है. एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल बच्चों, इमेजिन करो कि एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी में 7 लोग होना चाहिए, मान के चलिए पब्लिक कंपनी में एग्जैक्ट 7 लोग ही है, ठीक है, चलो एग्जैक्ट 7 लोग, इनके नाम लिखते हैं A, B, C, D, E, F, and G. बड़े प्यारे नाम है, 7 लोग हैं और सबके पास मान के चलो एक एक शेयर है, ठीक है. मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करे, 7 लोग होना चाहिए, 7 लोग हैं, एग्जैक्ट 7 लोग हैं, करेक्ट. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों. ए क्या कर रहा है पता है, ए जो है ये अपने सारे के सारे शेयर बी को बेच रहा है. ऑल द शेयर आर सोल्ड. क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, अगर ए ने अपने सारे शेयर बी को बेच दिए तो क्या हो जाएगा, पहले 7 थे अब 6 हो गए. अब 6 हो गए तो प्रॉब्लम क्या है, ऑलरेडी वो सेक्शन 3 चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई अगर कंपनी चालू करना है, पब्लिक कंपनी है, तो कम से कम 7 लोग चाहिए. अभी कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए. अच्छा ठीक है, 6 लोग हो गए, अब क्या नहीं बन सकते, नहीं हो गए अब क्या, मतलब क्या है, इंडिया में खून करना लीगल नहीं है, लोगों के खून होते तो है, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. ऑल एम आस्किंग, 7 लोग थे, ठीक है, 7 में से एक ने अपने सारे शेयर दूसरे पर्सन को बेच दिए. अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मेंबर का नंबर 7 से गिर के 6 हो गया, बराबर. अगर मान के चलो कोई कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट कम हो जाता है, मतलब पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए उससे कम हो गया, यहाँ पे जैसे कि 7 से 6 हो गया, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा. इसके चक्कर में अब जितने भी बचे कुछ मेंबर्स है इनका यहाँ पे ड्यूटी होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इनको अपनी गलती सुधारना है. कितने महीने के अंदर, 6 महीने में. अगर इन्होंने 6 महीने में नंबर ऑफ मेंबर्स को 6 से बढ़ा के 7 नहीं किया तो 6 महीने के बाद जो भी कंपनी लोन लेगी, लाइबिलिटी इनकर करेगी, वो कंपनी का तो होगा ही होगा, इनका भी पर्सनल लाइबिलिटी होगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी, प्लीज इतना बता दो. अभी मैंने वोडाफोन का एग्जाम्पल दिया था, वोडाफोन ने लोन लिया, मेरे को रीपे करने की जरूरत है अगर मैं शेयर होल्डर होता हूं, नहीं. बट इनके केस में अगर सपोज 6 महीने तक इन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी है, उसके बाद भी कंपनी अपना बिजनेस चालू ही रख रही है, तो उसके बाद में अगर कंपनी ने जो भी लोन लिया, जो भी लाइबिलिटी इनकर कर रही है, वो लाइबिलिटी इनका हो जाएगा पर्सनल लाइबिलिटी. पर्सनल लाइबिलिटी मतलब अपने जेब से पैसा भरना पड़ेगा इनको. अच्छा, इनका पर्सनल लाइबिलिटी क्यों आ रहा है सर, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती को सुधारा नहीं है. 7 से 6 हो गया, कितने महीने का टाइम है आपके पास, 6 मंथ का टाइम है. वो 6 महीने में क्या करना है, नंबर को बढ़ाओ. अगर नंबर को नहीं बढ़ाते हो तो आप पर्सनली लाइबल हो. दिस इज गिवन इन विच सेक्शन, सेक्शन 3 है. इसमें खास चीज है, खास चीज क्या सुनो, अभी देखो यहाँ पे ये जो जी है ना, ये क्या बोल रहा है, जी बोल रहा है कोर्ट में जाके, सर यहाँ पे मेंबर्स 7 से 6 हो गए, मेरे को कुछ भी आईडिया नहीं, आपकी कसम. कौन बोल रहा है, जी कोर्ट में जाके, ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों जी का कोर्ट सुनेगी, अगर वो ये प्रूव करे कि उसको सच में कोई आइडिया नहीं था कि मेंबर कम हो गए, 7 से 6 हो गए,
अच्छा ये कैसे प्रूव करेगा? हो सकता है कि जी बोल रहे कोर्ट में जाके, सर मैं इंडिया में था ही नहीं, मैं 7-8 महीने इंडिया के बाहर था और पता नहीं मैं जब नहीं था इन्होंने क्या क्या कर दिया, आई वॉज नॉट अवेयर, इसके लिए प्लीज मेरे को यहाँ पे पर्सनली लायबल मत करो। अगर ये एविडेंस सबमिट करता है और कोर्ट यहाँ कन्विंस होती है तो कोर्ट जी को माफ कर सकती है, बट अगर आपको पता है फिर भी आपने नंबर ऑफ मेंबर्स को नहीं बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अच्छा ये यहाँ लिखा है, विल रीड इट एंड देन वी विल स्टॉप। ठीक है, क्या लिखा है, मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी को कितने मेंबर्स मेंटेन करने की जरूरत है? 7, और प्राइवेट कंपनी को 2। अगर पब्लिक कंपनी में 7 से नीचे हो गए, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी में 2 से नीचे हो गए, और क्या कर रहे हैं लोग, और ये अपना बिजनेस 6 महीने तक कैरी कर रहे हैं विदाउट इंक्रीजिंग द मेंबर्स टू द मिनिमम रिक्वायर्ड। मतलब एक तो गलती कर दी, 7 के नीचे चले गए या 2 के नीचे चले गए, और बिजनेस को चालू रख रहे हैं कितने महीने तक, 6 महीने तक। इनडायरेक्टली इनके पास 6 महीने का टाइम है अपनी गलती को सुधारने का। अगर ये 6 महीने तक अपनी गलती को चालू रखते हैं तो क्या होगा, देन मेंबर्स कॉग्निजेंट शैल बी पर्सनली लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर 6 मंथ। मतलब कॉग्निजेंट मतलब अवेयर, जो मेंबर को इस चीज की जानकारी थी कि 7 से गिर के 6 हो गया और फिर भी उन्होंने नंबर को नहीं बढ़ाया तो वो होंगे पर्सनली लायबल। अपने एग्जाम्पल में कौन कॉग्निजेंट नहीं था जी, ये कोर्ट में जाके क्या बोल रहे हैं, सर मेरे को नहीं पता, मेरे नजर के सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर, ठीक है, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं कि ये मेंबर्स कम करके यहाँ पे इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, मैं इंडिया में था ही नहीं। ये अगर ऐसा प्रूव करते हैं बच जाएगा, बराबर। बट अगर सपोज यहाँ पे जनरल रूल क्या है, अगर आपको पता है फिर भी मेंबर्स को नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, यहाँ पे आप लायबल हो जाओगे फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर 6 मंथ। मतलब 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, 6 महीने के बाद भी अगर आप बिजनेस चालू रख रहे हो उसके बाद जो लोन लिया आपने उसके लिए आप पर्सनली लायबल होंगे। गॉट दिस पॉइंट? गिवन इन विच सेक्शन? 3A। ठीक है, अभी देखो हमने आज 3 सेक्शन किए वैसे, सेक्शन 3A, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 256। बताओ सेक्शन 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या बोलता है? लॉफुल पर्पज के लिए चालू रहना चाहिए और नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम जो है वो रहना चाहिए 7 या 2 या 1, एज द केस में भी, ठीक है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ओबीसी। CA क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी में 7 के नीचे अगर मेंबर्स जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 से नीचे मेंबर्स जा रहे हैं और 6 महीने तक बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, जो मेंबर्स को इसकी जानकारी है और नंबर को नहीं बढ़ा रहे वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे फॉर डेट्स आफ्टर 6 मंथ। दिस इज 3A, सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, व्हाट इज सेक्शन 4? कंटेंट्स ऑफ MOA। कंटेंट्स में क्या क्या देखा? फर्स्ट वॉज नेम क्लॉज, सेकेंड वॉज सिचुएशन क्लॉज, थर्ड वॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, उसके बाद कैपिटल क्लॉज, उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसके बाद नॉमिनेशन क्लॉज, राइट? फिर उसके टेबल हम लोगों ने चेक किए, बस दैट्स इट। और MOA का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा है? 256। विल स्टॉप हियर, कल इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। चलो।